खबर आगरा जनपद से है, जहां समान अधिकार पार्टी ने आज जिलाधिकारी आगरा के द्वारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के नाम प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि नागपुर की संस्था के श्याम मानव को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और इसकी फंडिंग की जांच की जाए कि यह फंडिंग कहां से आ रही है। श्याम मानव नाम का व्यक्ति पहले भी सनातन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार कर चुका है, यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। समान अधिकार पार्टी के नेता पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते हुए दाखिल हुए। पार्टी जन मांग रहे थे श्याम मानव को गिरफ्तार करो, सनातन धर्म का यह अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान समान अधिकार पार्टी जिंदाबाद, बागेश्वर सरकार की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो आदि नारों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा था। जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए समान अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नागपुर के श्याम मानव ने सनातन धर्म का अपमान करते हुए बालाजी महाराज के दरबार श्री बागेश्वर धाम को ढोंग बताते हुए महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपमानित करते हुए बदनाम करने का कार्य किया है। इसमें मेरी एवं मेरी पार्टी समान अधिकार पार्टी और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। ज्ञापन देने वालों में महानगर आगरा के अध्यक्ष समोद कुमार पचौरी, अनुसूचित मोर्चा आगरा के शहर अध्यक्ष महेंद्र सिंह, वरिष्ठ नेता सतीश भारद्वाज, रवि गांधी जी, देवेंद्र दुबे, आशुतोष अमित शर्मा, विजय कुमार, राम गोपाल सिंह, मुकेश आदि लोग मौजूद रहे। समान अधिकार पार्टी, समान अधिकार पार्टी, मध्य जी आप आ जाइए। भारत मजहबी है, भारत मजहबी है, भारत महीने, भारत महीने, भारत मजहबी है, भारत मजहबी है। हाँ, ये हमने जो ज्ञापन दिया है ये श्याम मानव के साथ दिया है। उन्होंने इतनी महान गद्दी जो बागेश्वर धाम है और ये धीरे शास्त्री के बारे में जो टिप्पणी की है, उनका अपमान किया है, ये बहुत ही गलत है। इसलिए आज समान अधिकार पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये ज्ञापन दिया है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम और उसमें मांग की गई है कि श्याम मानव जी जो फंडिंग में रखता है, फंड कहाँ से आता है और उसके खिलाफ शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजा जाए, यही हमारी समान अधिकार पार्टी की मांग है। मान लीजिए कि अगर कार्रवाई हो जाएगी तो आप लोग किस हद तक पहुंचेगा? यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी समान अधिकार पार्टी धरने पर रहेगी, प्रदर्शन करेगी और यहाँ तक होगा वहां तक हम पूरा प्रयास करेंगे, चाहे हमें बॉम्बे जाकर भी केवल प्रदर्शन करना पड़े, हम उसके खिलाफ हर हालत में मुकदमा लिखाएंगे। उसे कुलदीप शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष समान अधिकार पार्टी। आज समान अधिकार पार्टी ने जिलाधिकारी महोदय आगरा के द्वारा मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि नागपुर की संस्था है उसके जो पदाधिकारी हैं श्याम मानव, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनकी संपत्तियों का, उनकी फंडिंग का स्रोतों की जांच की जाए, कहां से पैसा आ रहा है। ये श्याम मानव नाम का व्यक्ति पहले ही सनातन धर्म पर हमला कर चुका है और कई बार देवी देवताओं का अपमान किया है। आज इन्होंने बागेश्वर धाम सरकार पर प्रशिक्षण उठाया है, बालाजी महाराज की गद्दी को ध्यान बताया है और धीरेन्द्र शास्त्री जी का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। समान अधिकार पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे देश में कहीं पर भी कोई सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, समान अधिकार पार्टी उससे सड़कों पर निपटेगी। आज कोई भी राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं है। सनातन धर्म पर हमले होते हैं, हमारी विरासत पर हमले होते हैं, हमारी देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। ये राजनीतिक पार्टियां मौन है, ये चुप है, ये वोट के लिए राजनीति करती है। जिस भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं हिंदुत्व की पार्टी है, ये ध्वंस दिखाने वाली पार्टी है,
जब हिंदुत्व की पार्टी होती तो आज 4 दिन हो गए, श्याम मानव को जेल के अंदर होना चाहिए था। इसने बहुत लूट काट किया है, समाजकार पार्टी इसका विरोध करती है और इसको जेल भरवाने के लिए हम मांग करते हैं, इसकी फंडी की जांच कराने की मांग करते हैं, इसीलिए हमने आज ज्ञापन दिया है।